नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु त्रिवेदी और स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी एमटीएस के फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो किस प्रकार से हमें एप्लीकेशन करना है, हमारी इसकी सैलरी क्या रहेगी और हमें अपनी पढ़ाई को किस प्रकार से करना है, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, इसके फॉर्म फिल कब से स्टार्ट होंगे। तो देखो जैसा कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि एसएससी एमटीएस की एग्जाम फॉर्म डेट है 22/3/2022 को इसका नोटिफिकेशन आ गया था, ठीक है। और 22/3/2022 से लेके 30/4/2022 तक इसके फॉर्म फिल होना है, ठीक है। तो आपको लास्ट डेट का वेट किए बिना आपको जल्द से जल्द और अच्छे से समझ के फॉर्म फिलअप करना है। अदरवाइज यदि आप कुछ लोग करते हैं ना कि कोई साइन सिग्नेचर ढंग से नहीं करता या फिर फोटो पे डेट नहीं होती तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते, तो आपको ध्यान से करना है बिल्कुल फॉर्म फिलअप, ठीक है। इसके बाद लास्ट डेट और इसका मेकिंग पेमेंट 2/5/2022 तक आपको पेमेंट करने की डेट लिखी हुई है यहाँ पर, देख लीजिए। और इसके बाद आपका जो पेपर होगा ना, पेपर फर्स्ट होगा वो July 2022 में होगा। पेपर कब होगा? 2 जुलाई 2022, मतलब आपके पास टाइम कितना बचा है, मार्च आधा ख़त्म हो गया, अप्रैल मई जून 3.5 महीने के करीबन आपके पास टाइम है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, तो देखिए बात करते हैं। जनरल इंग्लिश, तो इंग्लिश पूछी जाएगी, 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स के आएंगे, मतलब एक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का। उसके बाद यदि बात की जाए जनरल इंटेलिजेंस से रीजनिंग की बात की जाए तो वही रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स की रहेगी रीजनिंग। इसके बाद मैथ की बात की जाए, न्यूमेरल एप्टीट्यूड, वह भी आएगा 25 मार्क्स का और 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस, जीके की बात की जाए तो जीके भी अपनी आएगी 25 मार्क्स की और 25 भी इसमें क्वेश्चन आएंगे। और इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वह है 90 मिनट है इसकी टाइम ड्यूरेशन। आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो टाइम तो ठीक है। और उसके बाद देखो नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें, यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 की इसकी नेगेटिव मार्किंग। यदि आप बिगिनर हो तो मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन यदि आपने पहले से कहीं पढ़ रखा है थोड़ा बहुत तो आप 3 महीने तैयारी करके आप एमटीएस में क्वालिफाई कर सकते हो। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसके फॉर्म फिल कितने रुपये में हो जाएगा, यदि आप बॉयज़ हो लड़के हो तो आपको केवल 100 रुपये पे करने होंगे इसके फॉर्म फिलअप करने के लिए, और लड़की हो यदि आप तो बिल्कुल 0 रुपये में, आपको 1 भी रुपया नहीं देना, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, बाकी नेट चार्जेस तो आपको देने पड़ेंगे। इसके बाद नेशनलिटी इंडिया के नागरिक होने चाहिए, सब तो आप सभी को पता है, आप हम सब हैं। इसके बाद एज इलेक्शन की बात करें तो देखो एससी एसटी को 5 ईयर का एज इलेक्शन मिल जाता है, ओबीसी को 3 ईयर का और पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर का, बाकी आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर, आप देख ही सकते हैं, ठीक। आप कुल मिला के मान के चलिए 18 से लेके यदि 27 साल तक के यदि आप हो तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो बात की जाए इसकी सैलरी की बात की जाए, सबसे पहले ये आपको मैं नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप साइट पे ही, जितना तो आप जानते हो कि साइट पे जाके इसको डाउनलोड करोगे और इन्फॉर्मेशन पढ़ लोगे। बाकी मैंने ये वीडियो आपको इन्फॉर्म करने के लिए बनाई थी कि हमें इस बार सिलेक्शन कैसे लेना है। आप हर जगह वीडियो देखते होगे कि इसकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। अब वास्तविकता मैं आपको बताता हूँ कि क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। आप मुझे जानते हो, आप बहुत से लोग मुझसे परिचित होंगे, है ना, और मेरे को मुझे दिव्यांश भैया की YouTube चैनल पर भी देखा होगा, और इस बार भी यदि आप मुझसे जुड़े हो तो आपने देखा होगा SSC स्टेनोग्राफर, SSC CHSL, SSC MT है जो आप दोगे, ठीक है। इसके बाद RRB NTPC, कुल मिला के जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उसमें आए हैं उसमें मैं क्वालिफाई हूँ, आप मेरा रिजल्ट भी देख सकते हो, ठीक। अब आप मुझे बताइए इतने सारे एग्जाम कैसे क्वालिफाई किए, क्या रही स्ट्रेटजी। यदि आप मेरी स्ट्रेटजी जानना चाहते हो जो आपको SSC MTS और जितने भी एग्जाम हों सब में क्वालिफाई करा दिए जाए तो आपको है ना कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो लेके आऊँगा। जैसे मेरा जो खुद का एग्जाम है उसके लिए भी मुझे मेहनत करनी है, और बिना मेहनत के कुछ होता नहीं है, देखो क्लियर बात है। यदि हम फालतू में यूट्यूब पर चले गए, फालतू की वीडियो देखते रहे, एक क्या करना है कैसे करना है, तो इससे कुछ नहीं होगा, सिवाय अपने अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। जब रिजल्ट दे के आओगे ना, जब आपका रिजल्ट आएगा जब वो आपको लिए डीमोटिवेट करने वाला होगा, तो ठीक है। आपको बता दिया मैंने आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। अब रही बात सैलरी की, बात रही तो देखो सैलरी आपको कितनी मिलेगी,
तो जो सैलरी आपका 2800 ग्रेड पे है और आप सैलरी स्लिप देखना चाहते हो, तो देखिए सैलरी स्लिप यहाँ पे आपको दिख रही होगी कितनी सैलरी मिलेगी। ये अभी जस्ट दो या तीन महीने से पुरानी है, मैंने एक यूट्यूब चैनल से देखी थी, इतनी आपको सैलरी मिलेगी। दो तीन सैलरी स्लिप देखी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपको 30 से लेकर 32 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी। और खास बात ये, इसमें वैकेंसी भी अच्छी खासी आने वाली है, इस बार वैकेंसी अच्छी खासी है, आपकी मेहनत होगी और आपको बस थोड़ा सा अफोर्ड डालना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।